नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं पतंजलि के न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है पतंजलि का कोलेजन प्लस के बारे में। आज हम जानेंगे इसके गुण धर्म के बारे में, जानेंगे कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं इसके कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ये जो इसका जो डब्बा आता है वो 600 रुपये का ऑनलाइन या ऑफलाइन पतंजलि के स्टोर पर देखने को मिल जाता है। और जो इसकी डोज होती है, मात्रा होती है, 1 से 2 चम्मच हम सुबह और शाम ले सकते हैं। और बेस्ट रहता है विंटर में, क्योंकि इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम हमारी अग्नि बल वो तेज होता है। फिर हम बात करते हैं इसके क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं। इंग्रेडिएंट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर मिलता है नेचुरल वे में कोलेजन का एक्सट्रैक्ट, जैसे कि हम तिल से इसका एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर गाजर से एक्सट्रैक्ट होता है और वेजिटेबल हर्ब से होता है। 19 हर्ब्स होती है, जिसमें अश्वगंधा, बला और इसके अलावा गुलाब पुष्पाशन और उसके अलावा सहजन, इस तरह की जो हर्बल ड्रग्स होती है ये फायदा तो करती है। इसके अलावा ये जो ड्रग्स होती है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मार्केट में और भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे कोलेजन के नाम से, लेकिन पतंजलि के जो प्रोडक्ट है और जो बाकी प्रोडक्ट है इसमें डिफरेंस क्या है? तो मार्जिन, कॉस्ट मार्जिन है। बाकी जो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको 3,000 4,000 रुपये के रेंज में मिलेंगे, पतंजलि का मात्र 600 रुपये का है। दूसरा फायदा ये है कि जो इसका जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेबल हर्बल सोर्स है। जो बाकी का जो सोर्स है वो सुअर की चर्बी से बना देते हैं या फिश की जो चर्बी होती है उससे एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। तो इसके हम फायदे की अगर हम बात करते हैं तो जो इसका पहला फायदा होता है, ये कुष्ठ विकारों में बहुत अच्छा होता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है, टाइटनेस को मेंटेन करके रखता है, लूज स्किन या झुर्रियां वगैरह इसके सेवन से नहीं होती है। और बुढ़ापा भी जो है, बुढ़ापे में जैसे स्किन जो फैल जाती है उसको भी ये टाइट बना के रखता है, और बच्चों जैसी स्किन या यौवन जैसी स्किन जो है बना के रखता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये श्वेत कुष्ठ जो हो गया, जैसे सफ़ेद कुष्ठ होता है इसमें भी ये लाभकारी होता है, या जैसे किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है, या किसी को युवान पीढ़ी का की प्रॉब्लम है, या किसी को तिल की प्रॉब्लम है, जैसे किसी के तिल जो है सन के एक्सपोजर से बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, किसी को व्यंग जैसी जैसे कि मिलाजमा जैसी प्रॉब्लम है, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम को ये दूर करता है। उसके अलावा ये हेयर फॉल को भी मैनेज करता है, क्योंकि कोलेजन का जो काम होता है वो स्किन स्किन में तो काम होता है या बाकी ऑर्गन्स में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव आयुर्वेदिक वीडियो जो है हमारे न्यू यंगस्टर्स तक पहुंच पाए। जो हमारा फायदा एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स ने इसका फायदा उठाया है, यही फायदा हमारे न्यू यंगस्टर भी उठा पाए। थैंक यू।